किसान भाइयों, मैं आज मसूरी गांव में हूँ और ये बैठक देखिए आप, कितना सुंदर मकान है। बहुत ही आलीशान मकान बनाया भाइयों, नक्शा देखिए आप इसका। इधर पार्क है, बाप रे क्या शानदार नक्शा है भाइयों। अब तक के जितनी भी वीडियो बनाई मैंने, सबसे अच्छा नक्शा है। ये मीटिंग रूम बोला जाएगा। नमस्कार जी, मगर नमस्कार। तो भाई साहब थोड़ा सा परिचय दो आप अपना। आपका शुभ नाम जी? मुझे श्रीपाल कहते हैं जी। कहते हैं है। और गांव मसूरी है जी मेरा। अच्छा अच्छा, चौधरी नार सिंह जी का लड़का हूँ बड़ा। अच्छा, आप इनसे बड़े हो? छोटे से लग रहे देखने में छोटा हूँ, वैसे बड़ा हूँ। अच्छा, ये मकान का नक्शा क्यों बनवाया था अपना बनाया? ना साहब, ये तो सब आप लोगों के ही आशीर्वाद से। बहुत सुंदर नक्शा जी। तो ये कितनी जगह में होगा टोटल? इतना ऐसा होगा जी, दो बीघे में जरा सा कम। अच्छा, दो बीघे में? हाँ, 10-20 मीटर, 7.5 बीघे जमीन है चारों। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा देख सकेंगे इधर को? हाँ। ये कौन सा बोल रहे हैं? जर्मन शेफर्ड। ये प्योर है जी पिल्ला? कितनी उम्र होगी इस कुत्ते की? 6-7 साल का। 7 साल। अच्छा अच्छा, ये काटता थोड़े होगा किसी का? अभी तो काटता नहीं जी, काम चल रहा है। आ जा रहा हूं भाई जी। ये इनका 245/46 एचपी वाला मॉडिफाइड ट्रैक्टर है। अच्छा, इसमें रोटर पंप ही है? तो ये छतरी कहाँ लगवाई जी आपने? ये तो गांव में बनवाई थी इस तरीके, जिस पे से ट्रॉली बनवाई थी। अच्छा, वो इतना काम भी कर दे? हाँ, बता दो खड़े हो गए कर दे। इनके कृषि यंत्र हैं, सीजलर। इसे खींच ले मैसी बढ़िया। अच्छा जी, चार टाइम का ये तोता हल से बढ़िया आता होगा। गहरी जुताई करता है बढ़िया। और ये वो है, ये जोतने का कौन सा है? ये एक जोतने का बना रखा है, ये घरों बना रखा है, देसी जुगाड़। अपना बनाया है इन्होंने? अपना आप यहाँ। तो इस पे फ्रेम पे क्यों रख रखा है? ट्रैक्टर पे ले जाना, उठा के ले जाने के लिए। भाई वाह, और वहाँ जा खेत में चला लें? वहाँ जाके खेत में चला। भाई ये इनकी पशुशाला है, देखिए आप, बहुत ही शौकीन इंसान है। सारे में जाल है, बस थोड़ा सेफ मकान बना रखा। अच्छा, मंदिर है यहाँ? मंदिर बहुत ही, अब तो हमारे वहाँ भी आ गई। भाई जिन्ना बहुत बढ़िया बनाया। ये जिन्ना जी पशुओं के लिए हुई है। कैसा मतलब? मतलब जैसे दूध दूध काटना है हमारी बकरी, तो यहाँ कोई चले जाओ, तो यहाँ कोई जाएगा अपना, यहाँ कोई चले जाओ। आपके साथ आएगी तो सारा जिन्ना और फरस वरस गंदा हो गया। हाँ, पैर वैर से तो वहाँ चप्पल उतारो चले जाओ। यहाँ जाके अपने यहाँ चप्पल चेंज करके रखना। भाई वाह, बहुत बढ़िया। फिर दूसरे कोई मेहमान बैठा हो नया पुराना, तो उसका आपके कौन पड़ेगा? तो उन्हें पता ही नहीं चलने का कौन कहाँ जा रहा है। चलने का अपना दूध काटने का नहीं, अपना डंगरों में काम निपटा और चले जाओ। बहुत सुंदर भाई, ये बरांडा है बहुत सुंदर। ये कौन सा पत्थर होगा जी? यो जी मकराने का पत्थर है जी। यो पत्थर देखो ना, तो दुनिया है। हाँ जी, पर बाकी जैसे मिस्त्री बतावे यार वैसे है। यो नू बता रहे कि हैंसन मेडल पत्थर है नहीं। अच्छा, किसी के पास? किसी भी बेचने वाले के पास। ये हमारे यहाँ 3 ही घरों में पत्थर है वो। अच्छा जी, एक तो मेरे है। अच्छा, एक जो बड़े वाले भैया का है। ये क्या रुपये फुट आया होगा? ये तो मेरे ख्याल से जी वहाँ से 100-150 रुपये फुट का पत्थर है। सुंदर लग रहा बहुत मकराने से। अच्छा, पीस कितना लंबा? मैं मालूम नहीं दे रहा है। पीस तो इस पे 5-6 फुट का पीस है। हाँ देखो, बड़ा अच्छा डिजाइन मिला रखा कारीगर ने। जैसे मेरे पड़े ना 8-8, 7-7 फुट के भी। अच्छा जी, ऐसे ही हैं। अच्छा, इधर से क्या मतलब, इसकी एंट्री इधर से है मकान की किधर से? हाँ जी, इधर से एंट्री। अच्छा, जिन्ना है स्वागतम।
बहुत बढ़िया। अच्छा ये जो बाउंड्री है ऊपर से, ये स्टील की या किस तरह की पेंट हो रहा है या लकड़ी की है? ये सारी लोहे की हैं, इन पे जो है पेंट ऐसा करवा रखा जो लकड़ी की शाइनिंग सी बिल्कुल वो प्लाई टाइप चमक रहा है। प्लाई टाइप वो हल्का सामान पसंद नहीं आता, जैसे स्टील की लगवा लें ग्रिल सी, कोई बच्चा या कोई झुकने लगे तो उनकी जाट सी लिकट जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये मिस्त्री कौन था, कहाँ का था कारीगर बनाने वाला? इसमें कई जगह के लगा रखे थे, ये जो लोहे का काम करवा रखा भाई। ये सबसे अच्छा मुझे ये लगा, ये काफ़ी ऊँचाई पर है, यहाँ बैठ के मीटिंग हो सकती है। ये जैसा ये स्वागतम लिखा है, ये बहुत सुंदर गोलाई का, सब टोटल उसी मिस्त्री का, इकबाल मिस्त्री का, इकबाल मिस्त्री फिट करी। ये रेलिंग गोलाई में दी बनाई जी, बिल्कुल जी हाँ, ये सब और ऐसे ऊपर बनाया नक्शा सारा। और ये जो आपका ये बना रखा है मैंने गेट सामान दिखा रखा है, ये सब उसी की, ये सब उसी की वो है, और सारा कुछ जो है उसी ने ही बनाया नीचे से ऊपर तक। हाँ जो डिजाइनिंग का काम है सारा उसी का ही, जैसा लंबा बीम दिया वो सब उसकी दिमाग की उपज है। ना ना ये तो मैंने करवाया था जी। अच्छा। पहले बरांडा और वो था कमरा। अच्छा पहले तो इसको ऊपर करवाया बाद में? तो नहीं नहीं हाँ ये ऊपर बाद में बनवाया, बाद में बनवाया। पहले तो इस बीम से सपोर्ट मिल गई ऊपर से ही। हाँ इसे फिर ये लेंटर 3 फिट का था, मैंने अभी 8.5-9 फिट का कर लिया, बढ़ा दिया। हाँ जी ये पीछे से ही गिरवा के लाया इसे ऊपर, बाद में कई साल पीछे करवाया, ऊपर कई साल पीछे करवाया। और ये जो छतरी बनाई ये भी उसने फिर नए मतलब नया निर्माण करा उसका? हाँ जी हाँ, ये सारा निर्माण आगे आगे का सारा कमाल करते जी मिस्त्री। अब वो है नहीं मिस्त्री, गुजर गया, गुड्ढा तो जब भी हो रहा था, बस एक आधा तसला सीमेंट लगा कर रहा था सुबह से शाम तक। ये जो ऊपर तस्वीर बना रखी राधा कृष्ण जी की, मैं दिखाऊंगा। अच्छा जी होगा एक चम्मच सी, ये तो हो जी आगे में कुछ अच्छा हो, कुछ कड़वा भी हो। बिल्कुल सही के साथ साथ ये देखिए कितना सुंदर पत्थर लगवा रखा। और ये पत्थर लगाने वाला कौन मिस्त्री था? ये पत्थर लगाने वाला यहाँ पोपड़े गाँव से है जी। मैं इस तस्वीर की बात कर रहा था जी। जी ये राधा कृष्ण जी की तस्वीर है ऊपर। अच्छा ऊपर ये रही। हाँ ये सारी उसकी हाथ की बनी हुई है जी, सीमेंट से। अच्छा कहीं से लाई नहीं मूर्ति हो? ना 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 हाथ से बनाई है। बिल्कुल सही बना दी जी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। समय तो लगा होगा? बहुत समय लगा जी इसमें, लेकिन ये है कि आदमी नकल भी नहीं होती बाजी पे, तो बिल्कुल सही करे जी ऐसी है। और ये मेन गेट जो उसकी जो बनाना सब उसी की देने हैं? सब उसी का ही है। बहुत सुंदर। तो किसान भाइयों आपने नक्शा देख लिया कितना प्यारा घर है, और ये सामने पार्किंग। तो ये ड्राइंग रूम है क्या है इधर? ये ड्राइंग रूम है। अच्छा इधर घर हो गया? हाँ जी हाँ जी ये घर हो गया भाई। यहीं का ड्राइंग रूम है, बहुत सुंदर है। और चलो भाई नक्शा देखिए आप, हर आदमी नहीं बना पाता इस तरह का नक्शा। ऐसे थमले भी उसने बीम पे उठाए हैं। चलो इसे क्या बोलते हैं भाई? ये देखिए लोबी तो बीच में बीम कितना लंबा होगा? 200 फुट करीब 1 फिट करीब का। बहुत गजब लग रहा है। ऐसे ही ये है जी, ये भी डिजाइनिंग सब उसी का है, जो भी डिजाइनिंग का काम सब उसी का है। तो ये छत में लेंटर भी बनाया होगा? लेंटर में बना हुआ ये बनाया, फिर ऐसा बनाया। बहुत ही गजब कारीगरी है मिस्त्री की। तो और उधर से फिर घेर की एंट्री हो जाए पल्ली तरफ। हाँ बस इधर से ये बरामदा है इसके लोग के पीछे। हाँ यो है अपना पशु दूध निकाल लो, इधर आ जाओ। अच्छा ये बंदरों का इलाज कर दिया? हाँ जी ये बंदरों का। बहुत बढ़िया, अपना इधर से फिर पशुओं की तरफ जिन्ना है उसमें चले जाओ। इधर पशुओं का हो गया, ये बाथरूम बना बहुत ये चाली पाली के वैसे बच रहे थे मटेरियल, ये वैसा ही मटेरियल था, वो काट काट कर छोटे वाले बेटे ने ये भी काम आ गया पेंट करके, और वो सारा काम ले लिए जी आगे क्या।
इसकी तो बहुत सराहना की। तो भाइयों आपको मकान कैसा लगा जरूर कमेंट करना। नमस्कार।